हर थाने में महिलाओं के लिए बनेंगे सीक्रेट रूम। मिशन शक्ति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। कहा, पूरी तरह पारदर्शी और बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे ये रूम। पीड़ित महिलाएं महिला पुलिसकर्मियों से बिना संकोच बता सकेंगी आप बीती। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मिशन शक्ति अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर थाने में एक सीक्रेट रूम बनवाने के निर्देश दिए। पूरी तरह पारदर्शी ये रूम सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। इसमें पीड़ित महिला पुलिसकर्मी से बिना संकोच अपनी बात कह सकेंगी। यही नहीं, महिला हेल्प डेस्क या सीक्रेट रूम में दिखने वाली किसी जगह पर वह सारे नंबर 1090 181 112 1078 1098 और 102 लिखे रहेंगे, जिन पर कोई महिला जरूरत पर मदद के लिए कॉल कर सके। नंबरों के साथ इनका दुरुपयोग करने वालों के लिए चेतावनी भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के सभी 1535 थानों पर स्थापित होने वाले महिला हेल्प डेस्क का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को संस्कार बनाना होगा, इसके लिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं तक भी ले जाएं। सुबह की प्रार्थना और किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भी लोगों को इस बाबत जागरूक करें, इसके लिए प्रबुद्ध वर्ग खासकर जागरूक महिलाएं आगे आए तो नतीजे और बेहतर निकलेंगे। तिल का ताड़ बनाने वाले आज खुद कटघरे में। योगी जी ने कहा कि हफ्ते भर के मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान बहुत कुछ बदला है। पिछले दिनों कुछ घटनाओं को तिल का ताड़ बनाने वाले आज खुद कटघरे में हैं। पुलिस विभाग ने इस दौरान बेहतर काम किया। अभियान से जुड़े अन्य विभागों की गतिविधियों, भावी कार्य योजना की समीक्षा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय करें। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को व्यापक संदर्भों में लें या महिलाओं के प्रति लोगों की सोच और संस्कार बदलने वाला अभियान है। ऐसा तभी होगा जब अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। किसी भी अभियान से जब शासन और प्रशासन के साथ समाज भी जुड़ता है तो नतीजे बेहतर होते हैं। महिलाओं ने सरकार के कदमों को सराहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और आगरा में बने महिला हेल्प डेस्क में मौजूद कुछ जागरूक महिलाओं और जनप्रतिनिधियों से बात भी की। महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि बहू बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। सरकार के इन कदमों में महिलाओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव आया है। मिशन शक्ति से यह प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास मित्र पुलिस की अवधारणा को साकार करना है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अभियान की अब तक की प्रगति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने किया। कार्यक्रम में ADG कानून व्यवस्था प्रशांत वर्मा व शासन स्तर के विभिन्न पुलिस अधिकारी, अभियान में शामिल शासन के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और जिला स्तर पर वहां के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से इस कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य क्षण समर्पित किए। आपके निर्देशन में पूरे प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान शासन के 24 विभागों के समन्वय से शारदीय नवरात्र में दिनांक 17 से प्रारंभ किया गया है। इसी अभियान की अगली कड़ी में प्रदेश के समस्त स्थानों में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कुछ क्षणों में आपके द्वारा किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मिशन शक्ति के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण पुलिस बल पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। मैं थानों पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपसे यह भी अनुरोध है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करने और इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपकी आवश्यकता पुलिस को हर कदम पर अपेक्षित होगी। उत्तर प्रदेश के अभिभावक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में पुलिस की कार्य योजना बनी है और कम समय में प्रत्येक थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है एवं एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा प्रभावी अभियान शुरू किया गया है। आपके कुशल नेतृत्व में महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने में उत्तर प्रदेश पुलिस सफलता के नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष आभार प्रकट करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मिशन की सफलता की कुंजी उनके हाथों में है। 24 करोड़
प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने। मनुस्मृति में अध्याय 3 में अवधारित भाव यत्र नारेष्ट पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वार्थ प्राप्लाह प्रिया को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के काम में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे, ताकि देवता तुल्य महानुभाव यहाँ रमण करने हेतु सदा प्रेरित रहे, न कि उत्पीड़क और आतताई। अब मैं यदि महोदय की अनुमति हो तो अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध। मैं लक्ष्मी आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करें। संजीव जी क्या करना है इसमें? सर बटन क्या बटन दबाना है सर? सभी प्रदेश के अंदर 1535 थाने 300 तहसीलों एक महिला गठित धन्यवाद। मैं अब आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कतिपय जनपदों से जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे संवाद कराने का कष्ट करें। आईजी लखनऊ साहब कहां से भाई डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त है, सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है, और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का संचार बाहर जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार बाहर सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती है, जाकर उन्हें प्रचार प्रसार किया, जगह जगह चौपाल लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में जागरूक किया गया है।
हमने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है, जो एडोलेसेंट लड़के हैं जो 12 से 14 साल से किया गया है, और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है, और ये कतई मैनली नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का सम्मान दे रहे हैं, हाथ करें या उनको छेड़ करें। इसका मुझे उम्मीद है सर आप बहुत जो आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त समाप्ति बढ़ाने के लिए हमें जो इसकी ट्रेनिंग जुड़ो उनकी परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आईटीआई में कुछ इस तरह की जो रेस्क्यूड वुमेन है जो परेशान महिलाएं हैं अगर हम उसको आईटीआई तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को आईटीआई में लाने के कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और आईटीआई का बराबर उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें दो चीजें हमें जरूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालक बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा में संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090, इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181, इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है, या पीआरबी 112 अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूंगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है हुआ है शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट ही बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पर डायल करना है इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे, यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए
नुकसानदायक हो सकता है इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद नोएडा, लखनऊ। लखनऊ जो वेहिकल से हमारी 108, 110 वो अच्छा काम कर रही है, जैसे कि जो इधर पीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। 25 पिन कोड्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, एलईडी और एफएम के माध्यम से हम उसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। और जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 स्थानों से हम पुलिस लाइन पर बुलाएंगे और प्रिंसिपल से वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे, हर वन फर्स्ट और थर्ड शनिवार को जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन में कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में मंजूर डायग्नोसिस का डेटा दिया गया सर, इनको हम बुला रहे हैं वर्मा इंटू में जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं सर, हम बॉयज स्कूल्स और बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना के थ्रू इंटरनेट के थ्रू या वर्मा इंटू में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा। जैसे कि अब धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर समाज में आगे आएंगी तो इससे समाज में जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं, जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आप जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं के जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर, इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पर भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित विभिन्न और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके ये कार्य हमने कराया है सर। 1090 में स्ट्रेटजी पर एक अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने अच्छी सर बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद महोदय से और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देशों को दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह समाज की जो महिलाएं हैं जो रोल मॉडल हैं जो बाकी महिलाओं के लिए यह है लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, उनको विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे हम सर। हमारा ओल्ड एज होम नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर उनमें भी विजिट का हमारा शेड्यूल है सर और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है
और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की हम लोग ने योजना बना दी है। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं। और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई है, जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सब बहुत स्थापित यहाँ का उपकरण है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते, हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका शेख और उनकी टीम बराबर जाती थी निजी रोगियों के घर और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर इन समस्याओं तक की बातों कर लेती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि उनका रोज का काम था कि घाट गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे जाते कि किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी क्योंकि घाट के किनारे की ही बच्चियाँ हैं, तो वो विद्यालय में आकर वहाँ पे नक हो करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी और हमें अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप धन्यवाद आपको। आप वहाँ पे एक विद्यालय एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान का संचालन कर रही हैं और आपने शासन की इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लोग जो विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है या अन्य तमाम प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज संस्थाओं में संचालित होते हैं, इनमें भी बच्चों को बालिकाओं को खासतौर पर इसके बारे में बताएंगी और जितनी भी हेल्पलाइन आप जहां बैठे हैं तमाम प्रकार की हेल्पलाइन नंबर वहां पे लिखी हैं, 1090 का, 181 का, 1076 का या फिर 112, ये जितने भी 108, 102 ये क्या क्या हैं, ये सभी बच्चों को अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बोध उन्हें स्वयं भी महसूस होगा इन सभी नंबर से, ये जितने भी डायल नंबर हैं इनके इनके साथ जोड़ने से। और मुझे लगता है जब तक समाज का हर प्रबुद्ध जन इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये केवल एक कार्यालय और सरकारी आयोजन मात्र बनकर के रह जाएगा। हम इसको कुछ समय तक तो सरकार चलाएगी लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज इसको संचालित करें और शासन प्रशासन समाज के पीछे रहे, जिससे हम लोग जहां पे समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम उनका योगदान दें, शेष समाज जागरूकता के माध्यम से संस्कारों के माध्यम से इतना स्वयं सशक्त बन जाए कि इसमें कहीं भी शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ चलने वाला एक अभियान चलना चाहिए और इसमें समाज के जागरूक लोगों का और खासतौर पर आप जैसी प्रबुद्ध समाज की जागरूक महिलाओं का योगदान अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो ये इस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में जुड़े हैं, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरठ मेरठ हम लोग इसमें कर चुके हैं, यहाँ सर वर्तमान में सर थाने पे डीओ ऑफिसर थे, महिला इंस्पेक्टर है, एंटीरोबियो स्पैट की प्रभारी महिला इंस्पेक्टर है, डेस्क पे दो पांच जीवन है, क्योंकि सर वहाँ कनेक्शन में कभी प्रॉब्लम है तो जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सर माननीय सांसद महोदय का आपका कर्दन भी है, सांसद वीरेंद्र है, राजेंद्र अग्रवाल जी है, विधायक यहाँ पे शहर सत्यप्रकाश अग्रवाल जी है, डीएम साहब हम लोग जुड़े हुए हैं,
बाकी ना सर ये महिला सब इंस्पेक्टर तो देख इतना डिस्टर्ब क्यों है भाई सर? 450 हाँ बताएं बताएं आप बताइए। हाँ नमस्ते जी। और हमने जगह जगह पे हॉट स्पॉट कर दिए हैं और हमारी एंट्री स्टोर में प्रभारी रूटीन में वहाँ पे चेक जितने भी मन चले हैं उनके प्रति जितनी भी कार्यवाही होनी है वो सब थाने स्तर से की जाती है सर। और इनका नंबर हमने सारे एरिया में सदर बाजार का जो भी एरिया है सभी जगह हमने पब्लिश करा दिया है और जिससे अगर किसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी शिकायत इनसे कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर ये जो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ किसी महिला संगठन से या किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के से जुड़ी भी किसी महिला के साथ इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ा है सर अमर अजाला और तमाम सेक्रेटरी इस अभियान से हमारे आप मेरठ से जनपद मेरठ से जुड़े हुए हैं और सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार आपको आप जिस दिन से सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में उस दिन से महिला की सुरक्षा को लेकर आपने अलग अलग तरीके से कदम उठाए हैं और उसका जो स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। आज जो महिला की सुरक्षा है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत बेहतर हुई है और आज जो है पढ़ाई के लिए भी निडर होकर स्कूल जाने का भी काम कर रही है और पढ़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ तो वो काम जमीन पर भी है और आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि आज जो है गांव गांव में भी डर है वो मन चलों का आपका इतना शौक है उत्तर प्रदेश में उन गुंडों का उन मन चलों का है कि वो किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठा कर भी देखने की हिम्मत नहीं करते। आप जो ये नए नए तरीके आप तो लेकर आते हैं नए नए सुविधाएं महिलाओं को सुरक्षा देने का आप लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई होगी। और अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ इतना जागरूक है यहाँ की पुलिस भी इतनी जागरूक है यहाँ का मेरठ मंडल बहुत जागरूक है यहाँ भी कोई करते हैं तो हमारी कॉल पर तुरंत तत्काल जैसे भी हम सुरक्षा चाहते हैं महिलाओं के लिए कहीं स्कूल में कोई भी हमसे अगर फोन आता है तुरंत हेल्प के लिए हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आज जो है महिला जो है अच्छे से मतलब बाहर निकल रही है चाहे महिला ग्रामीण क्षेत्र की है चाहे वो किसान है महिला जो है अपने खेतों में चाहे मजदूरी करने के लिए महिलाएं जा रही हैं। आज जो है निर्णय है उन्हें पता है कि हमारे मजबूत मुख्यमंत्री जी बैठे हैं हमारी सुरक्षा के लिए वो बैठे हैं तो आज जो है ये डर का जो पहले वो खत्म जो मतलब आप जब सर आए हैं वो कौन कुंडों में बना हुआ है और आप लोग जो है बहुत हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जो है लाइफ में रहते हैं और हमेशा ऑनलाइन भी आकर जो है आप लोग जो है हमेशा से आप इसी लॉकडाउन में भी इतनी मदद आप लोगों ने करी है महिलाओं की जो महिला रसोई तो बच्चे घर में भूखे बैठे रहते हैं तो कितना दर्द होता वो महिला को भी पता होता है लेकिन आपने जो हर तरह की सुविधा देकर जो है महिलाओं के सम्मान में जो है आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है उनके बच्चों को जो है खाना देने का काम किया है ऐसे लॉकडाउन में जो है कि आज जो महिला है वो अपने बच्चों को जो है रसोई में जो है खाना बनाकर भी देने का काम कर रही है। तो ऐसा मैं आप लोगों को बहुत बहुत अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे समय में कोविड के समय में भी आपने बहुत ध्यान रखा है महिलाओं की सुरक्षा का
महिलाओं के पालन पोषण का उनके बच्चों के लिए भी आपने हर तरह से कदम उठाए। गरीब परिवारों का, दलित परिवारों का, शोषित का, वंचित का आपने बहुत ध्यान रखा है। मैं बहुत बहुत आपने आप लोगों को सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और हृदय से मैं आपको नमन करती हूँ और पूरे अपने समाज से और दलित समाज से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी भी आपदा में आपने बहुत ध्यान रखा और सभी समाज का बहुत ध्यान रखा, हर तरह से ध्यान रखा। बहुत धन्यवाद कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी जागरूक महिलाएं जब समाज के बीच में जाएंगे तो बहुत सारे लोग उससे अनुप्रेरित होंगे और आज आप स्वयं, आप भी माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी और माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण प्रदेश के अंदर जो हमारे 1535 स्थानों पर आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है, इसके शुभारंभ के लिए आए हैं। ये वास्तव में समाज के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति आप सबकी वे भावनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका आभारी हूं। आगरा नंबर से सर स्तंभ 112, 102, 108, 10 के अंदर 10-98 और जागरूक की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड क्या है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था सवेरा सर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर, हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था। उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी महिला हेल्पलाइन को भी इंटरनेट कर दिया गया था, जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। एंटीरोमियो स्पॉट जहाँ तक है सर, पहले जितना जो रोमियो एंटीरोमियो स्पॉट चल रहे थे अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटीरोमियो स्पॉट करा दिए गए सर, इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर महिला का डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पॉलिसिंग के रूप में लिया जा रहा है सर, किस सीजन में कब किस जगह पर अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके तो वहाँ पहले से एंटीरोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। सर पहले सर कि 90% से ज्यादा सर महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार परामर्श केंद्र पहले जिला मुख्यालय पे चलता था, अब उसको सर्किल हेडक्वार्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है क्योंकि सर कार्य का अधिकता इतना ज्यादा हो जाती है सर, ये कई बार डेट नहीं लग पाता, तो इसी महिला मिशन शक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने हर सर्कल हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जा रहा है सर। उसमें सर काउंसलर जो पुराने जो लोग हैं जिसमें जिस तरह से पहले काउंसलिंग में रहे हैं, शिक्षक कोविड-19 में स्वयं जन-जन को जगाए हो गए हैं, सब सहयोग के लिए आने लगे हैं, संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ सकारात्मक सोच को जगाया जा रहा है, रचनात्मक हम बने, जन जन को जागरूक करें। प्रथम चरण जागरूकता का है, प्रचार प्रसार और उसके साथ आचरण, चरण चरण आचरण में हम क्रियान्वयन करें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शक्ति अभियान के आज के इस महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे शासन के सभी अधिकारीगण, मेरे साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, फील्ड में तैनात हमारे सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण,
विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण मिशन शक्ति अभियान में आज के इस क्रम में 1535 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रखकर के प्रारंभ किया। पिछले 7 दिनों में इस अभियान ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी भी तमाम समस्याओं को नजदीक से जानने समझने और उनके समाधान को भी तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का संवेदनापूर्ण पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टि कोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है, पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे स्वयं प्रदेश के एक आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले दिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश के हजारों चुनी गई जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहे हैं और आज 7वें दिन 1535 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क का यह शुभारंभ होना मिशन शक्ति के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। अलग अलग रेंज या जोन मुख्यालय में, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक रेंज और जोन स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, अलग अलग संगठन और संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संगठनों की पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, उनके साथ एक सीधे संवाद हमारा बने, लेकिन समय की बाध्यता उनके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए है और इसलिए इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए मैंने कुछ जगहों पर जो संवाद बनाया है, आपने देखा होगा जिस भी स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो
या महिला स्वयंसेवी संगठन या किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़ी भी महिला पदाधिकारी, उन्होंने कुछ नयापन जरूर दिया है। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं, वह शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूं। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हम लोग नवरात्रि में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की पूजा और अनुष्ठान इसलिए करते हैं जिससे सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें, और संचार शक्ति का संचार करने के क्रम में ये सारे अनुष्ठान, पूजा और अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में पानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस दृष्टि से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं, संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईसी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा के मुद्दे पर,
किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो, एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दृश्य किए हैं, क्योंकि हरेक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए और हरेक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना है। क्योंकि यह कार्यक्रम एकांगी नहीं है, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा तो हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के, जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो यह अभियान प्रारंभ हुआ है, यह केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है, हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो, वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हो, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितनी भी हेल्पलाइन है, वेमेन पावर लाइन का है या फिर वेमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे, तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और
वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वह एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, मान्य सांसद, मान्य विधायक गण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है, उन जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत की प्रमुख है, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष है, कोई मेयर है, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई किसी अच्छे महिला कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी समूह का संचालन कर रही है, कोई चिकित्सक है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज में अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग तरीके से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वे सभी लोग आज इन थानों में, इस सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वयं जुड़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये हम अपने सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के माध्यम से इन सब के प्रश्नों को समाप्त, प्रश्न चिन्हों को समाप्त करते हुए हम समाज में एक व्यापक सुरक्षा का और सम्मान का भाव जागृत करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य विभाग भी इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके लिए, सबके प्रति, खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।